हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गाज़ियाबाद वाले गुड वाले मॉर्निंग। अभी एक बार फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैंने नहा लिया है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज सुबह मैं जल्दी उठी थी क्योंकि आज एक बार फिर से मुझे जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। फिर पूरा दिन वहीं ख़राब हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता मुझे ब्लॉग वगैरह एडिट करने का। तो भी ब्लॉग एडिट कर लिया है, अपलोड कर लिया है, बाकी जो थोड़ा काम रहता है थंबनेल टैग वगैरह वो जहाँ भी मैं बैठूँगी वहीं बैठ कर कर लूँगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो मेन काम है वो तो भी निपट चुका है। और आज एक बार फिर से दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है कि लाइट गई हुई है। कब से मैं नीचे लाइट का वेट कर रही थी, मैं कल लाइट आएगी तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई तो मुझे छत पे आना पड़ा। सुबह सुबह देखो सूर्य भगवान इतना कहर ढा रहे हैं, गर्मी से बुरा हाल हो गया। सुबह सुबह टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है। तो चलिए नीचे सबसे पहले पूजा पाठ करेंगे और बाकी दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको इस ब्लॉग में। ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अभी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है सुबह का नाश्ता। करेले की सब्जी काट कर तैयार कर दी गई है, इसके साथ ही भी सिंपल रोटी बना रही हूँ। अगर आप में से किसी को गर्मा गर्म खाना खाना है तो आ जाइए, आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। अभी मेरे सोए में रोटियाँ बना रही थी, कुछ अंदर बैठे खाना खा रहे थे, इतने में इनके फ़ोन पर फ़ोन आया कि अर्जेंट मीटिंग है फटाफट से आओ। तो मतलब एक रोटी खाई है, बैग उठाया और ऐसे भागे जैसे पूछ में आग लगी होती है। मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई, फटाफट से चले गए, कुछ मैं जा रहा हूँ मीटिंग में जाना है, ऐसे कह के बस भाग गए हैं फटाफट से। तो चलिए अभी हम भी नाश्ता कर लेते हैं। फिलहाल घर का सारा कामकाज निपट चुका है। अभी मैंने खाना खा लिया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। मेडिसिन तो मेरे पिछले 4-5 दिन से ख़त्म हो रखी है लेकिन मैं नहीं लेकर आई हूँ। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये है कि जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और सेकंड अहम रीज़न इसका ये है कि अभी मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है, टेस्ट वगैरह होने हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से डॉक्टर फिर मेरी दवाई चेंज कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो वो मेडिसिन फिर बंद कर देते हैं, फिर दूसरी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और जो पत्ता एक बार खुल गया वो रिटर्न नहीं होता, तो बड़ी दिक्कत सी आती है उस चीज़ में। अब इतनी महंगी मेडिसिन लेके मैं फिर उसको इस तरीके से वेस्ट करूँ, इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो इस चक्कर में मैंने होल्ड कर दी मेडिसिन। मेरा कोई बात नहीं, 3-4 दिन तो चलता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी सुबह सुबह ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोल रही हैं कि मैं फटाफट उठी हूँ, ये है वो है, अब जीजू चले गए हैं ऑफिस, अब दीदी कैसे जाएंगी, क्या हो रहा है, ये सब कुछ। तो आपको चलो पूरी मैं बात स्टार्टिंग से बताती हूँ, आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ के ना एक भैया हैं, उनकी छाती में दर्द हो रहा था, तो कुछ उनको हॉस्पिटल लेके गए थे जो उनके ऑफिस के पास में पड़ता है। तो वहाँ उन्होंने उसके उनके टेस्ट वगैरह करवाने के लिए वो देख रहे, तो वहाँ पे उनको एक स्टाफ नर्स मिली, उनका नाम कृतिका है। तो उन्होंने कुच्चू को पहचान लिया कि आप कुच्चू जीजू हो, आपका नाम अनिल जोशी है। तो इन्होंने बोला हाँ, तो कहने लगी कि मैं आरती के सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, गिरीश के सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, तो ऐसे इनकी जान पहचान हुई। उन्होंने काफ़ी मदद भी की कुच्चू की वहाँ पे। तो कुच्चू मुझे बता रहे थे कि वहाँ के रेट काफ़ी जेन्युइन है, और कुच्चू ने घर आके मुझे बताया भी था कि वहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे स्टाफ नर्स मिली थी वहाँ की, वो आपको जानती थी करके। तो उन्होंने नर्स ने कुच्चू का नंबर लिया था और उनको कहा था कि मेरी आरती दी से बात करवा देना करके। लेकिन उसके बाद ये घर लेट आए, लेकिन उन्होंने बता दिया था मेरे को मिले थे करके, लेट आए। फिर उसके बाद ये बस्ती चले गए थे, फिर संडे के दिन ये लेट ऑफिस गए थे, आपके ध्यान में भी होगा। तो उस दिन उन्होंने मेरी बात कराई थी कृतिका जी से, तो उस दिन फर्स्ट टाइम हमने आपस में बात की। काफ़ी अच्छा नेचर है उनका, वो भी कृष्णा जी की भगत है। तो मैं यही बोल रही थी कि मुझे तो भगत लोग ही मिलते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, ये भोलेनाथ की कृपा है, कृष्णा जी की कृपा है, जो भगत है जो भक्तिभाव वाले वही लोग मुझे भी मिलते हैं। तो उसके बाद अभी जब मैंने अल्ट्रासाउंड के टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो मेरे ध्यान में आया एकदम से, क्योंकि कुछ कह रहे थे कि वहाँ का रेट सही है, मैंने कहा कम दाम में सही काम हो जाए तो इससे बेटर और क्या होगा। तो मैंने कल रात कॉल की थी उनको, तो मैंने कहा अगर आपके टेस्ट वहाँ पे ये वाले होते हैं, मैंने प्रिस्क्रिप्शन सेंड की थी उन्हें व्हाट्सअप पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ दीदी ये टेस्ट यहाँ होते हैं लेकिन इसके लिए जो बुकिंग है वो एडवांस करवानी पड़ती है, कम से कम एक दिन पहले बताना पड़ता है। मैंने कल रात कॉल की थी उनको, अगर दिन में भी करती तो बुकिंग कर देती मेरी। तो मैं चाह रही थी कि सुबह के स्लॉट में हो जाता तो टाइम पे ये भी फ्री हो जाते, मैं भी फ्री हो जाती। तो कहने लगे कि सुबह तो नहीं है, शाम को किसी तरीके से एडजस्टमेंट करके उन्होंने स्लॉट में मेरे को जगह दिलाई है।
तो अभी 3:30 बजे उन्होंने मेरे को बुलाया है। तो कुछ और मैं सोच रहे थे कि हम सुबह निकल जाती मैं कुछ के साथ ही, तो या तो मैं हॉस्पिटल में वेट कर लेती या फिर इनके ऑफिस में वेट कर लेती। लेकिन सीन ये था कि इनके ऑफिस में फिर ये अनकंफर्टेबल से हो जाते अपने स्टाफ के साथ, है ना, इनकी बीवी वहाँ बैठी, अजीब सा लगता थोड़ा सा, मैं भी अनकंफर्टेबल रहती। तो अभी इनकी मीटिंग है तो मीटिंग अटेंड करके आएंगे। अभी इनको कॉल की थी मैंने, कह रहे 12:30-1 बजे तक मैं घर वापस आ जाऊँगा, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली जाना है हमने और दूर भी काफ़ी पड़ेगा। और मैं कृतिका जी से आज पहली बार मिलने वाली हूँ, वो मुझसे पहली बार मिलने वाली। वैसे तो हम लोग रोज़ ही मिलते हैं, क्योंकि जो डेली ब्लॉग देखते हैं उनसे तो मैं रोज़ ही मिलती हूँ शाम को 7 बजे, है ना। लेकिन बाय फेस मिलना, बात करना, वो थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, दिन भर में जो भी होता रहेगा आपको दिखाती रहूँगी। ब्लॉग में पूरी स्टोरी ये थी। तो आज कृतिका जी के ज़रिए ही मैं वहाँ पर जा रही हूँ टेस्ट करवाने के लिए। अब बाकी देखते हैं भोलेनाथ की कृपा कैसी रहेगी, क्या होता है आगे आगे। और फिलहाल जो मेरा थोड़ा काम रहता है ब्लॉग का, वो मैं अभी निपटा लेती हूँ, फिर कुछ आएंगे तो फिर चलेंगे हॉस्पिटल। फ़ोन का काम काज अभी निपट चुका है मेरा। अभी मैं जा रही हूँ टकलू के घर। टकलू तो हमारे घर में सो रहा है, उसकी मम्मी को कहने के लिए जा रही हूँ कि लवी को भी साथ में ट्यूशन ले जाएंगी, क्योंकि 3:30 बजे तो मेरा टेस्ट ही होना है। तो घर आते आते तो मैं लेट हो जाऊँगी, फिर लवी को ट्यूशन कौन छोड़ेगा। कोमलिया, लवी को देखो तैयार हो रखी है, शुंजर शुंजर बनी हुई है, नेकलेस भी पहन रखा लड़की ने, कहा बहुत है। मैं बाहर जा रही हूँ, कोमल चाची के साथ चल जाना ट्यूशन, ठीक है, बोल दिया मैंने उनको, लेके जाएंगे तेरे को, चुप करके चल जाना, नखरे मत मारना, ठीक है। लव कौन से कार्टून देख रहा है? पैपा पिग वाले, पैपा पिग वाले। घर वापस आ गई हूँ, अभी मैं कुछ भी आने वाली होंगी थोड़ी देर में। निकल रहे हैं अभी हम घर से, चलो चलिए। लाया गया था लेकिन हम जल्दी पहुंच गए हैं यहाँ पे। अभी 2 भी नहीं बजे हैं, घर से तकरीबन 1:15 बजे हम लोग निकले थे। अब जल्दी पहुंच गई हूँ मैं, तो हॉस्पिटल में तो कहाँ बैठूँगी वहाँ पेशेंट्स के बीच में। तो कुछ मुझे भी अपने ऑफिस से ले आए हैं, फिर पानी देकर गए हैं मुझे, आप अपने कैबिन में गए हुए हैं। अगर मुझे मिला मौका दिखाने का उनका ऑफिस तो ज़रूर दिखाऊँगी। मनी प्लांट खूब हरे हरे पत्ते हो रहे हैं। ये बैठे हैं, जोशी जी काम कर रहे हैं। ये ऑफिस है इनका, ये इनकी सीट है। मैं आज पहली बार आई हूँ। अभी कुत्तू के ऑफिस से निकल कर मैं आ गई हूँ यहाँ हॉस्पिटल के अंदर। तो ये है हमारी कृतिका मैडम जी। हाय, कैसे हो? बढ़िया, बताओ। हम भी बढ़िया। कैसे मिले आप मुझे, बताओ ज़रा। हम मिले हैं, आपके हस्बैंड आए थे हॉस्पिटल, मैं यहाँ वर्किंग हूँ एज अ चार्ज, और आपके हस्बैंड आए थे, फिर मैंने बोला कि मुझे आरती से मिलना है। एंड प्लीज़ 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 आरती के यूट्यूब फैमिली, हाँ, आरती के चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। ओ, ये अपने आप से था, ये मेरी तरफ से था, उनकी तरफ से थैंक यू। और आरती से मुझसे बात करा दो, मुझे पता था कि आरती की तबीयत ठीक है या नहीं, बट मैं भी इनके हस्बैंड से फर्स्ट टाइम मिली थी और मैंने मुझे ऐसे बात की जैसे हम कितना मिल चुके हैं। यही होता है ना डेली ब्लॉग देखने का। हाँ, यही मैंने पूछा कि आरती कैसे है, उसी के थ्रू हम मिले हैं आज हम यहाँ हैं साथ में हैं। तो अभी मैं अंदर आई तो उन्होंने मुझे पूरा हॉस्पिटल दिखाया, काफ़ी अच्छा नेचर है इनका, बहुत मज़ा आ रहा है साथ में। लेकिन जो मेनली पर्पज़ था मेरा कि मैं टेस्ट वगैरह जो करवाने के लिए आई थी वो नहीं हो रहे हैं। रीज़न ये है कि जिन डॉक्टर ने मुझे भेजा है, जिन्होंने लिखे थे टेस्ट वगैरह, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पता नहीं उनके बोलने में गड़बड़ हो गई, पता नहीं मेरे सुनने में गड़बड़ हो गई। तो अब उस चक्कर में अब नहीं हो पा रहे वो टेस्ट, तो वो भी बाद में होंगे, जब भी होंगे आपको पता लग जाएगा ब्लॉग में। तो फिलहाल मुझे वहाँ डॉक्टर के पास जाना है कंसल्टेशन के लिए, तो अब यहाँ से बस निकलने का ही टाइम आ रहा है। मैंने कहा चलो जिनसे मिली हूँ, जिनके थ्रू यहाँ आई थी, वो तो आपको मिला दूँ, दिखा दूँ कौन थी, क्योंकि मैंने सुबह ब्लॉग जब किया ना स्टार्ट, तो मैंने आपका नाम लिया था कि जो भी स्टोरी थी, जो भी कुछ जैसे मिले वो मैंने सब बता दिया था ऑलरेडी। मैंने कहा फिर भी आपके मुँह से एक बार बतवा दूँ ना, तो मैंने कहा चलो जो भी है मिलवा दूँ, एटलीस्ट फ़ोन बजने लग गया इनका। यहाँ पे लंच हो रहा है, अभी डोसा खाने आए हैं हम लोग। अभी यहाँ पर न्यूडल भी आ गई है, पहली बार टेस्ट करने वाली हूँ आज मैं वड़ा सांभर वड़ा। खाना खा लिया, अभी हमने निकलने लगे हैं यहाँ से। खाना खाकर दोबारा हम कुछ के ऑफिस चले गए थे, कुछ ने अपना काम वगैरह निपटाया। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पर मेरा चेकअप करवाना है। हमने काफ़ी भागा दौड़ हो गई आज, पूरा दिन भर इसी काम में रह गए हम, लेकिन जो काम होना था वो अभी तक हुआ नहीं है।
तो अभी पहले चेकअप करवाएंगे, उसके बाद डॉक्टर मेडिसिन वगैरह लिखेंगे। डॉक्टर कह रही है कि कुछ दिन मेडिसिन खानी है, उसके बाद टेस्ट वो अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ करवाना है। तो देखते हैं भी क्या होता है, जाते हैं हॉस्पिटल पहले। और कुछ का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पेंडिंग ही है, बाकी काम जो उनका रहता है पेंडिंग वो घर जाके करेंगे लैपटॉप पे। तो चलिए आप भी हमारे साथ। अपॉइंटमेंट बुक करवा ली थी मैंने शाम को ही आने से पहले। उन्होंने मुझे बताया था कि 6:30 से लेकर 7:30 तक की ओपीडी होती है शाम की मैम की, लेकिन अभी 6:51 हो चुके हैं और अभी तक मैम नहीं आए हैं। देखते हैं कब तक आएंगे। मुझे प्यास लगी थी बहुत तगड़ी, आती अभी यहाँ पे पानी पीने के लिए आई हूँ। हाँ, गर्मी में ठंडा पानी सुकून देता है। डॉक्टर को दिखा दिया, अभी मेडिसिन वगैरह ले ली है, 5 दिन मेडिसिन खा के उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा। डॉक्टर के पास रश कम था आज, इसलिए थोड़ा टाइम पे काम हो गया है। ब्लॉग भी अपलोड कर दिया था मैंने हॉस्पिटल में ही। तो चलो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। रात के तकरीबन 7:30 हो गए हैं, जस्ट अभी घर वापस पहुंचे हैं हम। और जैसे ही हम घर वापस आए हैं, यहाँ पर लाइट नहीं है और गर्मी से बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। कुछ तो लेटे हुए हैं यहाँ अंधेरे में, मैं भी अंधेरे में अंदर बैठी हूँ। अब देखते हैं कब तक लाइट आएगी। एक ये जो पंखा खरीदा था फिलहाल, ये काम आएगा हमारे। कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चाचा जी चलो काम हो गया, चलो चलो चलो। आए आए। अम्मा को देना जाके तो फिर पार्टनर। घर के अंदर बहुत ज्यादा हुमस हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हमारे घर के बाहर गली की सभी औरतें बैठी हुई हैं, महफिल लग रही है गली में, सब बातचीत कर रहे हैं, हंसी के ठहाके लग रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं सभी। ये चीज़ है कि हाँ, हमारी गली में मिलजुल के रहते हैं सभी लोग। अगर लाइट गई भी हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है कि गम बनाए लाइट गई हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं बाहर मजे से, सब बातचीत चल रही है अच्छे तरीके से। तो अभी कुछ मुझे बोल रहे हैं कि आप भी बाहर जाकर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ, क्योंकि गर्मी में अंदर रह पाना तो मतलब ये है कि मौत को दावा देने वाला काम है। तो अभी कुछ जा रहे हैं अपने फ्रेंड के पास, चलो हम भी बाहर चलते बैठते थोड़ी देर सबके साथ बाहर ही। वो तैयार है जाने के लिए। लो बाय बाय बाय। लड़का तो तैयार है भाई जाने के लिए। ठीक है बाय, जाओ तो। चलो चाची के पास जाओ, चलो आ जाओ, चलो आ भाई चाची को। कब मेरे सिर पे पागल लेके आ जाओ, मैं स्कूटी छोड़ के आऊँ। आ जाओ आ जाओ आ जा, देखना ये लड़के, आ जा देखना कैसे एंटर है। चालू करो, बंद कर दी। इशारा करके और बता रहा है चालू करो। ओ देखो इशारा, उधर को चलो, रास्ता बता रहा है, उधर को चलो। लाइट आ गई,
आजो हैप्पी बर्थडे टू यू, ये क्लैपिंग कर रहा है, पू कर दो। क्या चाहिए लो, ओए खाने की चीज़ है, हर चीज खाने के लिए ना बनी दुनिया में। फाइनली लाइट आ गई, अभी रात के तकरीबन 9:15 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं आज। अभी आलू उबालने के लिए रख दिए थे, तो आलू की सिंपल सब्जी बनाएंगे, उसके साथ थोड़े से चावल बना लेंगे, थोड़ी सी रोटी बना लेंगे, तो बस सिंपल सा ही खाना बनेगा, क्योंकि ज़्यादा हिम्मत नहीं है इतनी गर्मी में कुछ भी करने की। पसीने में भीग रही हूँ मैं इस समय बुरे तरीके से। चलो चलते हैं रसोई में। हमारी गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है, सिंपल तड़का लगा के तैयार की है। इसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी शेयर नहीं की। मम्मा का फ़ोन आ रहा है, हेलो, नमस्कार पिताजी, कैसे हो? होय मैं ठीक छू, तुम्हारे के हाल चाल छन? के कना छा? रोट खा ली? अभी थोड़ी देर पहले मम्मी और पापा का कॉल आया था हाल चाल पूछने के लिए, डॉक्टर ने क्या कहा तो उनसे बात की थोड़ी देर। अभी कुछ भी घर वापस आ चुके हैं, चावल भी तैयार है हमारे, यहाँ पर रोटियाँ तैयार कर रही हूँ मैं। अगर आप में से किसी को गर्मा गर्म रोटी खानी है तो आ जाइए। अभी रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं, मैं डिनर करने लगी हूँ। कुछ कह रहे हैं कि अभी भूख नहीं है मेरे को, मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगा, मुझे मेडिसिन लेनी है, तो मैं तो अभी खा रही हूँ। मैंने खाना खा लिया है, मेडिसिन ले ली है। बाहर गली में भजन कीर्तन चल रहे हैं, जैसे कि आप में से कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि अभी माता के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आज अष्टमी है, तो आज बाहर भजन कीर्तन करवाए हैं हमारे पड़ोस में, तो चलो हम भी चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ आपको बाहर का दृश्य। यहाँ पर ना प्योर अपनी भाषा में भजन गा रहे हैं ये, तो सारे भजन मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहे। अभी घर वापस आई हूँ मैं, एक बार फिर से लाइट गई हुई है। जय हो। अभी रात के तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, जस्ट अभी लाइट आई है और यहाँ पर कुछ कर रहे हैं डिनर। लो फिर से लाइट चली गई। कैसे टाइम पे व्लॉग बनाया मैंने।
अभी रात के तकरीबन 1:15 बज चुके हैं, जस्ट अभी लाइट वापस आई है। मैंने कहा फटाफट से व्लॉग का एंड कर लूँ क्योंकि कुछ नहीं पता लाइट आ जा रही है काफ़ी टाइम से। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरी हेल्थ ठीक रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ, आपको थोड़ा और एंटरटेन कर सकूँ। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए और देखते रहिए अपनी बहन आरती भट्ट जोशी का चैनल। आइए आह आह।